the connection is disconnecting from the source within. There were parts of my core senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. कुछ बैग्स म्यूजियम प्लानिटेरियम हॉरर हाउस वीआर मूवी, तो मैंने 500 का कुछ एक पैकेज लिया है, तो इसमें ये सारी चीज़ें। चलो वो पहले बैग्स हाउस एक्सप्लोर करते हैं। क्या नाम है आपका? साइली राणे। साइली राणे, साइली राणे, मला थोड़ा सा इंक्वायरी कराएं, कितने बजे मतलब ये ओपन होता है म्यूजियम? सुबह 9 o'clock से रात को 9 o'clock, मतलब 9 से 9 बजे तक ये ओपन है। अच्छा, इसका कोई टाइम लिमिट है? अंदर आती है आपको तुरंत बाहर जाना है? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप आके 1-2 घंटा 3 घंटा आराम से घूम सकते हो। अच्छा, इसके कोई रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? बस स्टैचू को टच नहीं करना है। हाँ, आपको स्टैचू को कोई भी ऑब्वियसली वैक्स से, से वो डैमेज हो सकता है, स्क्रैच आता है उसके ऊपर, राइट? स्टैचूज को आपको टच नहीं करना है, ऑब्वियसली स्क्रैचेस आ जाएंगे, डैमेज हो सकता है, एक चीज़ नुकसान हो सकता है। बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया, मैंने पूरा राउंड लगाया तो बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच साइली, बेटर मजा। ओके, हाँ, गुड आफ्टरनून। आप स्टैचूज के साथ फोटो ले सकते हो, बट आपसे रिक्वेस्ट है स्टैचूज को टच नहीं करना। ओके, प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा दूर से फोटो ले लीजिए। चलेगा, थैंक यू। ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद ही समझ सकते हो। इन्होंने सारे डिटेल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। आपको बस कोई भी स्टैचू को टच नहीं करना है, आपको ये प्लीज ध्यान रखना है। बहुत अच्छी कारीगरी है ये। नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। हर एक स्टैचू के पीछे उन्होंने सारे डिटेल्स लिखे हुए, एग्जैक्टली उनका नाम, बॉर्न वगैरह, सारा एजुकेशन वगैरह, उन्होंने सारी चीजें उसके पीछे डिटेल्स आप पढ़ सकते हो प्रॉपर। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन्होंने। मैं इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी, मुझे कोई भी चीज को टच नहीं करना है। भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सब कुछ सारी चीज़ें वैक्स की है, क्लॉथ छोड़ के, कपड़े नहीं है वैक्स के, बॉडी एंड ऑल सब, इनको तो आप जानते ही हो। अठावले,
अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ये डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। हम पहले यहाँ जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल सारे डिटेल्स उन्होंने एग्जैक्टली सब सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वाजपेयी से ये भी यहाँ पे भी है। वाओ इनके डिटेल्स यहाँ लिखे हुए हैं। ऑलमोस्ट आप सारे डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। हर एक स्टैचू के पीछे उन्होंने सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। ये स्टैचूज है एक्चुअली, राइट? ये स्टैचूज है, ये मुझे नहीं लगता स्टैचूज। ओके सब बेस्ट। फिनिशिंग वॉज सुपर, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है सारे स्टैचूज का। सारे डिटेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं, आप आराम से घूम सकते हो। ये 9 बजे तक ओपन है। साउथ स्टार्स टॉलीवुड सारा यही आया है पीछे, ये सारे साउथ स्टार है। बेस्ट, हमने इनके इनका तो बहुत देखा ही होगा। अभिनंदन। इनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे फैंस हैं, सबने देखा ही होगा अभी। सुनिंग्स मैक्स म्यूजियम है ये लोनावला में।
बस मुझे ब्लॉग में कुछ बोलना नहीं, आप देख के सारी चीज़ें समझ सकते हो। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड ऑलमोस्ट पहुंच थे सारे। ओह माय फेवरेट। ये मेरी सबसे फेवरेट है, बेकार है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे प्लीज़ स्टैचूज़ को हाथ मत लगाना, रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि स्टैचूज़ ख़राब हो जाते हैं, क्रैक आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। अमरीश पुरी कैसे हुआ? सुपर फिनिशिंग, बस नाइस। लता मंगेशकर है, हरिहरन है और AR रहमान। ये म्यूजिक, सारे म्यूजिक लवर्स यहाँ पे हैं, अवार्ड के साथ ही कर रहे हैं। AR रहमान सुपर। स्टैचूज को क्रैक हो रहा है तो प्लीज़ सारे ध्यान दो कि रूल्स फॉलो करने हैं आपको। और मैं फिल्म इंडस्ट्री से थी तो ये मेरा बोल सकते देवा, प्रभु देवा। तो बेस्ट मेंसो इनको मिली थी मकाऊ में, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा उनके साथ। प्रभु देवा, रामचंद्रन, ये है रामचंद्रन, जयललिता एंड वेंकटेश। बहुत सारे स्टैचूज नए आए हैं यहाँ। एक्चुअली मैं बहुत पहले आई थी तभी इतने नहीं थे। द नेक्स्ट राउंड इज दादा साहेब फाल्के। रजनीकांत, जैकलिन, वाओ, ओके। इनके आउटफिट एंड हेयर वगैरह सब आर्टिफिशियल है, इनकी बॉडी पूरी वैक्स की है। ओ सल्लू, सल्लू के साथ मैंने फिल्म फेयर किया था तो नाइस पर्सन, बहुत मज़ा आया था इनके साथ फिल्म फेयर करके। इंडस्ट्री मैंने ड्रॉप कर दिया है फिलहाल। करीना कपूर दूर से तो बहुत असली लग रहा था ये, वहाँ से सुपर। सिन्हा, बिग बॉस, द बेस्ट स्टैचू, इनको प्लेटफॉर्म है अच्छे से, स्टार्स सारे। और सबका फेवरेट ऑब्वियसली जो भी डांस लवर है, म्यूजिक लवर है, बेस्ट पर्सन, सुपर। सब ने अपने अलग ही छवि छोड़ दिए यहाँ पे एक्चुअली। और ये गाउन का स्टाइल हिट कर।
कर दिया था सॉन्ग भाव। चलो नेक्स्ट राउंड जाते हैं। ओके स्वामी विवेकानंद। अब दूर से देखोगे तो सारे स्टैचूज एकदम रियल लग रहे हैं। लामा, ये है लामा। वाओ, ये स्टैचू तो बहुत ही रियल है। उनके ऐसे रिंकल्स वगैरह भी उन्होंने अच्छे से, वाओ बहुत प्यारा फिनिशिंग है, आईब्रोज एंड ऑल वो है सुपर। उनकी आंखें भी रियल लग रही है। ये स्टैचू बहुत ही अच्छा है। इनका है सदगुरु श्री वामन राव पाई। द बेस्ट स्टैचू। बहुत ही प्यारा स्टैचू है यार, आंखों में पानी आ गया। मदर टेरेसा, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना बहुत ही अच्छा सेक्शन है। बाबा रामदेव। मोहम्मद रफी, रफी साहब बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया इन्होंने ये म्यूजियम। एक्चुअली पंडित जसराज बहुत ही अच्छा है। शुभ लक्ष्मी, सारे डिटेल्स इन्होंने लिखे हुए, हर एक स्टैचू के पीछे डिटेल्स है, तो आप सारे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं आराम से। इनका टाइमिंग भी बहुत अच्छा, 9 बजे तक खुला है, तो आराम से आप 1.5 घंटा 2 घंटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइमिंग का। फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली वहाँ, और मुझे जल्दी जाना है, दो मिनट में उसका वेट कर रही हूँ बस उनका हो जाए। मिस्टर बी, मैं स्पेशली मलेशिया गई थी एक्चुअली, इसका जो टेडी है वो मिलता ही नहीं है जल्दी, यहाँ मुंबई में तो मुझे कभी दिखा नहीं, बॉम्बे में कहीं दिखा नहीं, लेकिन मलेशिया गई थी स्पेशली, वहाँ ही मुझे वो टेडी मिला था और मैं लेके आई थी मलेशिया से वो टेडी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैरेक्टर, सुपर। एंड अपने मराठी स्टार्स हे ज्यांनी गाणं खूप गाजवलेलं आहे, एका गाण्यामध्ये फेमस झालेले कॅरेक्टर्स सारे हे इकडे आहेत। ये सारे कॅरेक्टर अमृता, आपले सारे मराठी स्टार्स आहेत इथे। Yeah.
नेक्स्ट अंकुश चौधरी, इनके सबके साथ मैंने काम किया क्योंकि मैं मराठी इंडस्ट्री में असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, तो ऑलमोस्ट मैंने अमृता को डांस सिखाया हुआ है। मैंने इसके साथ मेरा फर्स्ट शो मेरा अंकुश चौधरी के साथ ही था, तो ऑलमोस्ट मैंने उसके साथ ही काम किया है। वो चार्ली है, चार्ली ओके। स्टैचूज बहुत अच्छे, जो नए स्टैचूज आए उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नाउ नेक्स्ट इब्राहिम लिंकन, जो नए स्टैचूज आए उसका फिनिशिंग। कार्टूनिस्ट शंकर वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, वाह, और इसको तो कौन नहीं जानता, बाबरे शक्तिमान सुपर। और ये है हाँ वर्ल्ड में सबसे हाइट कम है जिसकी, परफेक्शन परफेक्ट है सच में, वाओ। विंस्टोन, उन्होंने आईब्रोज और उन्होंने सिगार भी रखी है, कितना परफेक्शन किया है इन्होंने, वाओ। एंड द नेक्स्ट ब्रूसली, जेटली एंड ब्रूसली, जेटली एंड ब्रूस ली। मुस्तफा सुपर, द फिनिशिंग वाज सीरियसली सुपर, बहुत ही अच्छा है। एम एफ हुसैन, यहाँ से आना पड़ेगा कि वो पेंटिंग कर रहे हैं, इससे उन्होंने स्टैचू बनाया। इन्होंने तो ऐसे ही ड्रॉ किया, मुझे लगता है स्टैचू बहुत ही अच्छा। डन, बेस्ट है इनका टाइमिंग, ऐसा कुछ नहीं कि यही टाइम पे आना है, सवेरे 9 बजे खुलता है, रात को 9 बजे तक ये है। ऑलमोस्ट मैंने पैकेज लिया है एक्चुअली 500 का, जिसमें म्यूजियम है, प्लानिटेरियम है, वीआर है और हॉरर हाउस है, तो ये मेरा 500 का पैकेज है। आप सिर्फ वैक्स हाउस भी आ सकते हो, लोनावला में स्क्वायर मॉल में है ये, ओके 200 कुछ वैक्स हाउस का, आप सिर्फ वैक्स हाउस भी घूम सकते हो। लेट्स गो, मुझे मिस्टर बीन के साथ फ़ोटो खिंचाना है प्लीज़, मैं बस वीडियो बना रही फ़ोटो। और ये है सारी गर्ल्स यहाँ की। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया विशाखा नूर, कलकत्ता से है। जॉली ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Reunite. All I'm digging, got my
feet on solid ground.